आरएस वालों के लिए एक्सक्लूसिव है ये, इसको हम इसमें फिट करेंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटर स्प्रिट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अपनी आरएस में छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे। किस टाइप का मॉडिफिकेशन, देखो ये तो आपको पता ही है, ये ऑयल कैन यहाँ पे लग जाता है, सभी तो करते हैं ना ये वाली मॉडिफिकेशन। मेरे को बताइए फ्रेंड्स, सारे ही फेयरिंग बाइक्स वाले लोग इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं, है ना। अब मेरे को बताओ, ये एक प्लास्टिक पार्ट है, आपने इसको यहाँ पे इसके बीच में घुसा दिया, कितना ही टाइट कर पाओगे? इस पार्ट पे आपका ब्रेक सारा डिपेंडेंट है। ये लूज रहा ना तो आपको पैनिक ब्रेक के वक्त कभी भी दिक्कत आ सकती है यार, प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सो मेरा मानो ये किस्सा, मतलब इसको अवॉइड करो। तो आपको करना क्या चाहिए, सपोज़ मेरे केस में मुझे ना दोनों साइड से कैंस लगा देने हैं, तो स्पेस है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो एक एक्सटेंशन क्लैंप आ जाता है, आप यहाँ पे ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे, जो कि कम्प्लीटली सेफ़ है, वो टाइट भी रहेगा। अब ये वीडियो है ना आरएस वालों के लिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें मैं आरएस के लिए ही एक ज़बरदस्त जुगाड़ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखो। और इस वीडियो में खाली इसकी फिटिंग यहाँ पर नहीं होगी, इसमें भी और मॉडिफिकेशन होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। आरएस वाले ऐसा करेंगे, ये वाला पार्ट जिससे क्लच कनेक्टेड है, उस साइड से ब्रेक कनेक्टेड है, हमें ये चेंज करना है। हम आरएस में एनएस का पार्ट लगा देंगे और दोनों ही साइड्स का मुझे 190 रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि उसमें आप यहाँ पे देखिए शीशे की एक्सटेंशन आ जाती है, तो हो गया ना हमारा सारा मसला सॉल्व। चलो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, मिल गई हमें एक्सटेंशंस हमारी मॉडिफिकेशन के लिए, चाहे जिस भी टाइप की मॉडिफिकेशन हमें करनी हो। वो साइड वाला मैंने आपको दिखा दिया कैसे लगाना है, और इस साइड के लिए बस इतना ही चेंज करना है आपको, दो बोल्ट एंड डन। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे लिए इसको फिक्स करना ए पीस ऑफ केक है। जैसी भी अलाइनमेंट आपको पसंद आए वहाँ पे लगा दो। अभी फ़िलहाल इतना ही टाइट करते हैं, अभी उसकी सेटिंग करते हैं थोड़ी सी। कहाँ गई भाई अलगी, गलत सही से। जैसे मर्जी है बाद में वैसे फिट कर देंगे। अभी मगर मेरे को लगता है इसको ऐसे ही रखेंगे इस पोजीशन में हैंडल के ऊपर से। चलो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बेसिक आइडिया ये रहने वाला है। ये जो आपको एलईडी दिख रही है छोटी सी, ये इसको हम इसमें फिट करेंगे, फिर वायरिंग यहाँ से लेके मेन वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। चलो करते हैं फिर। देख लो यहाँ पे मैंने इसको वायरिंग के साथ कर दिया कनेक्ट, इसको अब यहाँ पर फिट करूँगा, वायरिंग यहाँ से लेके जाऊँगा। एक बैड न्यूज़ है यहाँ पे, मैंने इसको ट्राई देने के लिए कनेक्ट कर लिया था बैटरी के साथ, लेकिन इसने सिर्फ एक फ्लैश देके ये जल गई। सो इसका रीज़न आई थिंक ये शायद 6 वोल्ट की आ गई है गलती से, मैंने तो 12 वोल्ट की मंगवाई थी। अब मेरे पास है और एलईडीज, उनमें से कोई कनेक्ट करके देखता हूँ। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी, ये तो दोनों ही जल गई, बेकार हो गई। लेकिन अब मैंने यहाँ पर
ये वाली सिलेक्ट कर ली है, इस वाली को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इसको एम सील लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे इसको ग्लू गन से थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग दे देता हूँ। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ से भी मैंने एम सील लगा दी है ताकि वाटर प्रूफ हो जाए पूरी तरह, एज इसमें हमें होल्ड लिक्विड भी करना है। कोई मत बोलेगा यार ये वायर कैसे पास होती है इसमें से, क्योंकि जगह बहुत कम है। देखो ऐसे होती है, एक पतली सी वायर लो, इसको इसके साथ यहाँ पे बांध लो। टेप मत बांधना, कोई टेप से इसको बंद करेगा, टेप यहाँ पे बहुत मतलब फंस जाती है, उसका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैंने ट्राई किया था। भाई हम इसको इससे खींच सकते हैं, देखो आ गया वायर, आ गया ना वायर प्रॉपर फिटिंग के साथ, अब हिलेगा भी नहीं। अब इसमें भी अभी मैं एम सील लगा देता हूँ। हमारे दोनों कैंस हो गए रेडी, अब मैं इन दोनों को यहाँ पे फिट करूँगा। फिट कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी वायरिंग मैंने कनेक्ट कर ली है, इस पाइप के बीच से आ रहा है इसका वायर, यहाँ पे देखो ये मैंने कनेक्ट कर लिया ये इंडिकेटर के साथ। अगर उस वाले के साथ कर देता तो वो आईलिड का था, अब मैंने इंडिकेटर के साथ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ ये फ्लैश करे, ना कि लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहे। पूरी फिटिंग कंप्लीट, अब इसमें स्ट्रिंग डालने का टाइम। अब इसके दो स्क्रूज बंद करता हूँ। हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, देखिए आप यहाँ से देखिए फिटिंग के साथ सारा ही किया है। अब आप फाइनल लुक देखना चाहेंगे, लेकिन फाइनल लुक देखने से पहले एक बार ही सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो फिर दिखाता हूँ आप लोगों को फाइनल लुक।